नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर के निर्देशन पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक यूज करने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक मानक तय किया गया है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सारे नगर निगम जो क्षेत्र है उसमें नहीं यूज किया जाना है। उसके बावजूद भी कुछ हमारे चाहे फुटकर व्यापारी हो चाहे व्यापारी बंधु है वो इनका लगातार यूज कर रहे हैं। मैं उनको अपील भी करता हूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक यदि आप यूज कर रहे हैं तो तत्काल आप लोग स्वतः अपने से ही उसको या तो डिसॉल्व कर दें। यदि निगम के अमला आपके यहाँ पहुँचती है तो निश्चित रूप से जो भी न्याय संगत कार्रवाई वो कार्रवाई किया जाएगा और उसमें फाइन भी निर्धारित किया गया है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए फाइन भी किया जाएगा। अभी अल्टीमेटम दिया जा रहा है, अल्टीमेटम देने के बाद तीसरे राउंड में जब जाएंगे तो सीधे कार्रवाई होगा। देखिए जितने भी प्लास्टिक्स हैं वो कौन बेच रहे हैं? दुकानदार ही दे रहे हैं। यदि दुकानदार के पास प्लास्टिक नहीं रहेगा तो कोई उपभोक्ता खरीदेगा नहीं। यदि उपभोक्ता नहीं खरीदेगा तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जितने भी लोगों ने प्लास्टिक का जो यूज कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो मानक में नहीं है, उन सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा। भाई उनके पास यदि स्टॉक रखे हुए हैं और उनके पास हमारी टीम अमला पहुंचती है और उसके पास पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। और यदि वो रखना बंद कर देंगे तो वो आपको जो जहां भर दिख रहा है, जिस भी स्थानों पर दिख रहा है, वो नहीं दिखेगा। जो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं जैसे कैरी बैग, डिस्पोजल ग्लासेस, डिस्पोजल कटोरी, चम्मच, जो शासन के द्वारा बैन किया जा चुका है, अभी कुछ व्यापारियों के द्वारा देखने में आया कि इसका उपयोग पुनः चालू कर दिए गए हैं। इस प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग, भंडारण और विक्रय, इस चीज़ को रोकने के लिए निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे महापौर जी, सभापति जी, आयुक्त महोदय, सभी का आम व्यापारियों, आम नागरिकों से अपील है कि वे ऐसे प्रतिबंधित व्यवसाय, प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग ना करें और इसको जनहित में देखते हुए, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसानदायक है, इसलिए ऐसी सामग्रियों का उपयोग बिल्कुल ना करें। वहाँ पर भी जो खोमचे वाले बैठे हुए हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जाती है, उनके ऊपर भी लगातार दबाव बनाया जाता है कि ऐसी सामग्रियों का उपयोग ना करें, उनको उनके ऊपर भी जुर्माना लगातार किया जा रहा है।